The Daily Show with Munir Meman. Assalamualaikum, आप देख रहे प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। जिस तरीके से सूरत हाल तब्दील हो रही है, पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब एक अहम दौरे के बाद बरतानिया से पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं और पाकिस्तान की तरफ इनका सफर शुरू हो चुका, लेकिन ये जो सफर है कहाँ जाके खत्म होगा? शहबाज शरीफ साहब की जो लंदन में मौजूदा मुलाकातें रहीं, जो कुछ वहाँ पे खबरें निकल के आई, जो कुछ कहा गया, जो कुछ लिखा गया, जो कुछ अखबारात में शाया किया गया, उस हवाले से प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं हमारे बड़े ही सीनियर रिप्रेजेंटेशन वीनस टेलीविजन की सीनियर साफी हैं, तजियाकार हैं, जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जहांगीर साहब पहले तो मुबारकबाद के वजीर आजम साहब को समझ आ गई कि लंदन हमारा कैपिटल नहीं है, इस्लामाबाद कैपिटल, तो वो इस्लामाबाद आ गए। जी जी बिल्कुल, बात तो आपने बड़ी, अब गालिबन उनको अंदेशा था कि लंदन हमारा कैपिटल है, तो वो इस्लामाबाद अब आ गए, उनको सही रास्ता बदल गया। भाई आज तक ये साहिबी इख्तदार लोग हैं जो मल्क बरतानिया को अपनी मल्क ही समझते रहते हैं, और जब बादशाह है और जो है उसको बादशाह ही समझते हैं, ये इनके यहाँ खसूसी ग़ुलामी से निकले नहीं हैं। अगर जो है उन्होंने वहाँ जा गए हैं और उनको वहाँ कंफर्ट लेवल मिलता है और नवाज़ शरीफ वहाँ है और शहबाज शरीफ वहाँ जा रहे हैं, ये तो जो ना ये भी एक तरह की यात्रा है। जैसे मुकद्दस जो है अपने भाई से मिले, उन्होंने एक दूसरे को बोसा दिया, उन्होंने छोटे भाई को प्यार किया, ये ठीक है, ठीक है, वो बहुत तजर्बाकार हैं। ये भी कहा जा रहा था कि 30 साल की हुकूमत है, तो भाई बहुत सारे 30 साल की हुकूमत और लामहदूद ना आएगी, और देखे ना, और उनका तजर्बा कोई कम होता है जो माशाल्लाह लेके आते हैं, 11-11 साल रहे। सही बात। नहीं फौज ने यहाँ जो है हुकूमत तो की है ना माशाल्लाह की शक्ल में, बिल्कुल, तो तजर्बा कार तो वो भी हुई, बिल्कुल सही, तो उसको जो है स्टेक में क्यों नहीं डालते, देखे ना। तो ये तो जो एक कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, सीधा रास की बात है ना, भाई से की जाएंगी, आप सबको शामिल कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता नहीं, है। बिल्कुल, बात तो हम जनरल वर्क कर रहे हैं, अगर ये मार्शल लगा तो उसकी बात कर रहे हैं, अगर ये बाहर जाते हैं और यात्रा करके आते हैं और जो है होली लंदन के तौर पर उसको लेते हैं तो फिर भी बात होगी। अच्छा जहांगीर साहब एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि लंदन गए वहाँ पर बातें हुई, मुझे सर एक बात समझा दें, नाज़रीन को भी समझा दें। आपने कहा नवाज शरीफ साहब का जो तजुर्बा है 30 साल का सियासत में, और बड़ा आम तजुर्बा भी है, इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का टेक्निकल स्टेटस क्या है? क्या वो गायबाना वजीर आजम है? क्या वो कन्विक्टेड मुजरिम है? क्या वो सीनियर सियासतदान है? वो दरअसल स्टेटस क्या है, जरा इस वक्त समझा सकें तो। देखिए एक बात ये है, एक जो है वो ये मैं थोड़ी मुख्तलिफ बात करना चाहूँगा। बिल्कुल आप चले जा सकते हैं। ये देखें कि एक जो है वो कन्विक्टेड है, फांसी का जो है वो मुजरिम बन चुका है और उसको फांसी देने लिए, उसको दुनिया का कौन सा कानून कहता है कि उससे कोई ज़िंदगी का कोई सबक कोई तजर्बा शेयर ना कर सकें आप? ये तो इंसानी बुनियादों पर है ना, कि भी आप ये हैं कि वो वहां नहीं जाए, तजुर्बा शेयर करना, ये और फिर उस शख्स से देखिए कानूनी तौर पे कोई लिख के ले रहे हैं कि उनकी साइन से आ रहा है, नवाज शरीफ साहब लिख के दे रहे हैं कि आपको ये करना है, ऑर्डर जारी कर रहे हैं, फरमान जारी हो रहा है, किस हैसियत में जो वो हो रही है, वो फेस टू फेस टॉक हो रही है उसकी, कोई अब जाहिर है कि उनसे फायदा उठाएं, कोई अब किसी कोई अब शहबाज शरीफ उसको हुक्म का दर्जा देते हैं तो ये उनकी सवाब दी दे, उनके पास अकल का फुकदान हो सकता है, वो किसी को शेयर करें जब तक कि वो भाई से ना जुड़े, उनकी अकल कंप्लीट नहीं होती, तो भाई ये तो उनका मसला है, लेकिन ये कि इसको कोई वो आईनी शक्ल थोड़ी दे सकते हैं कि वो यूं हो रहा है यूं हो रहा है। गैर कानूनी नहीं अभी गैर कानूनी की, अगर कानूनी और गैर कानूनी दोनों की बहस में नहीं आती है। अच्छा गैर इखलाकी है? गैर इखलाकी कई लोगों के लिए गैर इखलाकी होगी, कई लोगों के लिए अपने मयार मुख्तलिफ प्यारे भाई से जो है गुफ्तगू होगी, मयारात आप कहीं रख सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं। लेकिन भाई कन्विक्टेड हो तो? देखिए कन्विक्टेड तो हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारे जो भुट्टो साहब, क्योंकि तहरीके इंसाफ का और दीगर जमातों के लोगों को साहब को फांसी पे चढ़ा दिया है ना, बाद में ये इतराफ भी कर लिया कि ये गलत है, जुडिशियल मर्डर था, ठीक है वो, लेकिन वो कानूनी तौर पर जुडिशियल मर्डर करार नहीं दिया गया उसको, वो तो ये एक बयानी की हद तक, एक जज ने रिटायरमेंट के बाद पब्लिक गैदरिंग में एक बात की कि ऐसी ऐसी हकीकत है,
अब इसको कानूनी हैसियत देना, कानूनी हैसियत तो कन्विक्टेड है, लेकिन पूरी हुकूमत 30 साल की हुकूमत जो है उसी नज़रिए पे खड़ी है, भुट्टो साहब के नज़रिए पे खड़ी है, उनकी बेटी हुकूमत करके गई है। अगर आप उस नज़रिए को तो कहते हैं कि ये नज़रिया जो है वो भुट्टो के नज़रिए पे हम जी रहे हैं और इसी को हम फ्लोरिश कर रहे हैं और ये आगे जाएगा, और अभी उनके बेटा जो आ गया है, पोता भी तक आ गया है, तो उस तक भी जो है वही नज़रिया है। तो ये की बहस तो ये छोटी सी बहस है, इसको तो नहीं देखना। अगर कहीं वो जो ना स्टक अप हो जाती है, वो जिद पकड़ लेते हैं ये और ऐलान भी करते हैं। मुझे एक बात जानकर साहब, आपने बात कही कि मुशावरत के लिए वहां पे थे और मुशावरत करना उनका इख्तियार है, वो हक रखते हैं मुशावरत जिससे चाहे करें सर, लेकिन इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती और तकरीरी के अदवार से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, उनसे गाइडेंस ली, उनसे मशवरा किया। लेकिन अगर मैं मुस्लिम लीग नून की बात करूं तो माजी में जब जब ये तकरीरी की नून लीग के लिए, ये कोई दोहराना ख्वाब से ज्यादा कम साबित ना हुआ, तो अब एक बार फिर से वहीं से मुशावरत की जा रही है जहां पर ट्राइड टेस्टेड एंड फेलियर रहा। भाई देखिए, फिर तो यार जब आप कह रहे हैं कि ये डरावना ख्वाब साबित हुआ, तो फिर तो ये बात उनको बोलना ही नहीं चाहिए कि नवाज शरीफ जो है लेके आ रहे हैं, उनके तजर्बे में तो बिटर एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है कि सर, तो अच्छा कभी अच्छा नहीं हुआ है। तो अगर वो उनके शहबाज कई बार मुल्क में शहबाज शरीफ साहब आते हैं तो ये लिख के नहीं है कि ये जो है वो इमरान खान को फेवर नहीं करेंगे, इनको फेवर करेंगे या नहीं करेंगे। मुमकिन है फिर टॉपल हो सकता है, खुदा ना करे हमारे मुंह में खाक के जो है माशाल्लाह है। लेकिन बहरहाल हम तो यही चाहेंगे ना कि ये जो चीज़ है इसके इस तरह के अगर उन्होंने मशवरा दिया और फिर दोबारा हो जाता है और कुछ और चीज़ निकल आती है तो उसको कैसे रोका जा सकता है। इंसान खान साहब ने बड़ा रद्दअमल दिया है, किसी ने इनको वजीर आजम को कोई हलत देता है? बिल्कुल सही है, लेकिन खान साहब का कि एक वो शख्स जो कि पाकिस्तान से मफरूर है, पाकिस्तान की अदालतों ने उसको सजा सुना दी, उस शख्स से अगर मुशावरत की जाती है तो फिर यकीन तौर पर सवाल खड़े होंगे और मुल्क के इस तरह के अहम फैसले के हवाले से मुशावरत करना, फिर इत्तेहादी जमातों में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर पहले मशवरा वहां हो गया और फिर अब इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की जाएगी तो उसका कोई वजन रह जाएगा, उसका कोई खैर आईनी रिवायात जो है आइन से कानून से ज्यादा इस्टेब्लिश हो जाए, मुस्तहकम हो जाए। तो यही कहा जाता है कि अगर ये कहा जाता है नवाज शरीफ के बारे में कि उनका तजर्बा मतलब ऐसा था और उन्होंने ये किया, तो अभी ये एक बात बता दें कि ये सारी चीज़ें जब आएंगी, रूबे अमल आएंगी, चीज़ में आएंगी, तो उसको आप क्या पेशगोई दे सकते हैं। अगर उन्होंने आप इमरान खान को आप ले लें, इमरान खान पे भी ये इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने जो है उधर ही वही उन्होंने सवारी चुनी थी जो इन लोगों ने चुनी है, तो कोई फ़र्क तो नज़र नहीं आ रहा ना मेरे भाई। ये आइनी नहीं है, गैर आइनी काम है या आइनी काम है, लेकिन कर तो सब रहे हैं ना, इधर के भी कर रहे हैं, उधर के भी कर रहे हैं, पिछले भी कर चुके हैं। किस बात पे नाश करें हम, कहाँ जमहूरियत रही है यहाँ? सर अब तो परवान चढ़ना चाहिए था जमहूरियत को, अब तो चढ़ना चाहिए था। एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, एक आरजू है, उसकी बुनियाद पड़ेगी और उसके सबूत हमारे पास आएंगे तब हमें खुशी होगी। सर ये बताएं, जब जो मुशावरत हो चुकी लंदन से, आज अगर शहबाज शरीफ साहब आते हैं इत्तेहादियों से उसी मुशावरत के हवाले से कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं और इत्तेहादी अगर उसे ना तस्लीम करना चाहें तो फिर शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन क्या होगी? देखिए एक बात ये, फिर तो बुहरान पैदा होगा, समझे आप, फिर ये जाएंगे। तीन खबर आ रही है ना कि बहरान पैदा हो रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वतन वापसी आने में जो ताखीर हुई उसके हवाले से सुना है कि दिसंबर के एंड ऑफ द दिसंबर आएंगे वो, मतलब इस तरह तो चलता रहता है ना इस तरह के कामों में कि आप बात आप आगे बढ़ाते रहें। ये जैसे इनका मार्च है वो जो है वो मार्च शायद आइंदा के मार्च तक चला जाए, कुछ कोई भरोसा नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इनके कहने पे कौन क्या कह रहा है, क्या होने वाला है, ये तो यही जानते हैं, हमें आवाम को तो बताया नहीं जाता। इनकी बस इनकी गुफ्तार के हुकूक, किरदार के हुकूक किसी के पास नहीं, गुफ्तार के हुकूक मिल जाए और गुफ्तार के हुकूक ये देने को तैयार नहीं है हमको। सर नवंबर का तकरीबन पहला 10-12 रोज गुजर चुके हैं, एक अहम फैसला होना है, शहबाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद थे और अब इत्तेहादियों से मशवरा किया जाएगा, आपको नहीं लग रहा कुछ ताखीर हो रही है इस तरह के फैसले में? देखिए एक बात, ये एक बात तो समझ में आती है अगर आप गौर से देखें
इतना इस इतनी कॉर्नर में ये बात जा चुकी है, इतनी दीवार से लग चुके हैं फैसला कर करने वाले, तो अब वो ये कहते हैं कि अगर हम सर लोग तो कह रहे हैं कि शायद इस फैसले के तैयार भी कहीं और है, शहबाज शरीफ साहब के पास भी बात है। लेकिन जब क्योस होता है ना, जब फंस जाते हैं, अगर आप जो अगर आप कहते हैं कि वजीर आजम ये फंसे हुए, उसके लिए फौज की भी तो एक राय होते हैं ना, वो ये भी तो सोचते हैं कि कौन है। और उनकी राय तो ये है कि आप जो है ना सीनियरिटी की बुनियाद पे ठीक मानते हैं, वरना सीनियरिटी के हवाले से भी कुछ कंफ्यूजन है। देखें, बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप इमरान खान साहब के प्रोपेगेंडे से बचना चाहते हैं, नवाज शरीफ पर या शहबाज शरीफ पर ये इल्जाम नहीं है कि इन्होंने कुछ किया है, एक ही बात करें सीनियरिटी में भी इसमें कुछ कंफ्यूजन है, क्लैरिटी है गालिबन में आनी है, क्योंकि जो अभी तक इतलात है कि कुछ सीनियरिटी का ऐसा मामला भी है कि रिटायरमेंट और दीगर कुछ साहिबान के रिटायरमेंट कुछ आसपास करीब है, इस साल से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। और खान साहब ने बरतानी अखबार को एक इंटरव्यू दिया, इससे इंटरव्यू के बाद कहा तो ये जा रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून और दीगर हुकूमती जमातों में परेशानी की लहर दौड़ी है कि क्या खान साहब के ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ और अमेरिका के साथ क्या बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको शायद इस वक्त एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। इस हिसाब से गुफ्तगू करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आ जाओ। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं The Daily Show with Munir Memon। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा हो रहा था कि पाकिस्तान में जो नवंबर में बड़ी तब्दीली एक्सपेक्टेड है, इस तब्दीली का क्या असर होगा और तब्दीली से पहले कितनी तब्दीलियां लेके आएगा। साथ में ये बात भी कहेंगे कि जो खान साहब ने बरतानवी अखबार को इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू में जो कुछ कहा गया, जो कुछ बताया जा रहा है, उसमें क्या फर्क है या जो बातें कही गई वो मनोमन वैसी नजर आती हैं। जहांगीर साहब, जरा पहले उसको सबक कर लेते हैं कि सीनियोरिटी की बेस में आपने कहा कि आर्मी चीफ के तैनाती एक्सपेक्टेड भी है और कहा भी जा रहा है, अब अगर ये चीजें इतनी क्लियर हैं तो क्यों मौजूदा गवर्नमेंट या मौजूदा वजीर आजम इस पर क्लैरिटी नहीं दिखा पा रहे, और अगर क्लैरिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं इशारे तो यही आ रहे हैं कि मौजूदा वजीर आजम के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो बस कहीं इशारे आते हैं और वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये एक जाहिर है कि ये भी एक मफरूजा है, दूसरी साइड के अगर एक मफरूजे के तौर पर ये सीनियरिटी की भी बातें हो रही हैं, ये बिल्कुल सच भी हो सकती हैं, ये भी एक फर्जी चीज़ है और ये भी फर्जी चीज़ है। दो अगर मफरूजे सामने हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो, तो आप जो चाहें कहें, लेकिन जो तरीक़ेकार के मुताबिक तो इसका एक हल ये है। आपने कहा कि उनकी सीनियरिटी है, उनकी जो है जो रिटायरमेंट की डेट है वो मुतासर कर रही है, दो बड़ी सीटें होती हैं, दो बड़ी सीटें होती हैं, एक को एडजस्ट कर दिया जाता आर्मी हेड के तौर पर और दूसरे को जो है चीफ ऑफ जनरल वो जॉइंट स्टाफ जॉइंट फोर्सेस लगा दिया जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर ये दोनों तो खप जाते हैं ना, दो दो होते हैं, दो होता हो जाता है और एक जो है जो आर्मी चीफ दूसरे नंबर का होता है, वो तीनों फोर्सेस का जो है हेड होता है, उसके बावजूद जो एक्टिव पार्ट प्ले होता है वो तो आर्मी चीफ का होता है। तो वो इसमें इतना नहीं है कि अगर ये चले जाते हैं तो दो ही होता है कि जो दो सीनियर होते हैं बहुत करीब करीब होते हैं, दो तीन चार नहीं रिटायर हो रहे हैं, दो एक ही दो रिटायर हो रहे हैं, उनको एडजस्ट किया जा सकता है, इतना बड़ा बहरान नहीं है। और मजे की बात यह है कि अगर बहरान की सूरत हाल होती है तो बहरान तो यानी गवर्नमेंट कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें सब अंदाजा हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे ही हल्कों में हमारी सफों में बेचैनी है, तो उसका तो पहले से तदारुक होता है ना, उसका कोई हल निकाला जाता है। फौज तो इतनी वो नहीं है ना समझ कि वो देख रही है कि हमारे यहाँ बेचैनी है और हम जो है जाके ऐलान कर दें, सब उस वक्त भी ऐसी बेचैनी के दूर करने का एक ही तरीका है कि आप जो है सीनियरिटी टॉप सीनियरिटी का जो आदमी लेके आए और ये मसला हल करें। इसके लिए भी है कि आपने जंग से सीनियरिटी की बात की, आपने नए मुमकिन आर्मी चीफ के हवाले से भी बात की, कुछ खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि गालिबन पिछले चंद रोज में खान साहब की या सदर पाकिस्तान की मुआवनत से कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों में जो मौजूदा टेंशन था उसको कम करने की बात की गई और अब इसके बाद खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया बरतानवी अखबार को,
ये इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस इंटरव्यू में जो बातें कही हैं, जो बातें निकल के सामने आई हैं कि खान साहब अब कह रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, अमेरिका का जो इशू था, जो साइफर का मामला था, अब हो गया उससे, अब उससे आगे बढ़े, वो बातें माजी का हिस्सा हो चुकी हैं और हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं और पाकिस्तान में इंतखाबी अमल के हवाले से भी उन्होंने बात की। सर ये जो खबर आई है, दो खबरें एक साथ हैं, एक जानब कहा गया कि खान साहब की सवाले से मुलाकात हुई, अहम हलकों में मुलाकातें हुई और फिर खान साहब का ये स्टांस है वो तब्दील होता हुआ दिखाई दिया, कुछ सॉफ्ट होता हुआ दिखाई दिया, ये हुकूमती हलकों में भी कुछ खलबली मचा। हम जो है वहां से खबर तो डिग आउट ही कर सकते हैं, हम तो तबसरा कर सकते हैं मौजूदा खबरों पर, और मुझे तबसरा कर, मुझे ये बताएं खान साहब का ये जो एक बात बताएं, पहली दफा सदर मुमलिकत की मुदाखलत से इससे पहले भी वो कोशिश कर सके हैं, और उधर भी कहा जा रहा है कि जो है सीनियरिटी की बुनियाद पे आना चाहिए, इनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि भई ये हमारा जो है ना, अगर अमेरिका का झगड़ा साइफर का झगड़ा ख़त्म कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो भी एक मफरूजा था, उन्होंने ख़त्म कर दिया, इतना मसला नहीं था। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं मसला था, लेकिन हमने ना डिफ्यूज़ कर दिया ये मुज़ाकरात के नतीजे में, अब हम ये डिस्प्यूटेड मसाइल हटाएंगे ही नहीं, ख़त्म ही नहीं करेंगे। तो एक ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेचोरिटी पाई जाती है और कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग है। आपको लगता है कि तरीके इंसाफ को खान साहब को कहीं से कोई श्योरिटीज दी गई हैं, कुछ यकीन दहानी कराई गई है? देखिए श्योरिटी इस तरह दी जाएगी कि कहीं बेचैनी ना हो, अगर एक को श्योरिटी दी जा सकती है तो दूसरा शोर शराबा मचा सकता है और फौज पे भी प्रेशर आ सकता है। श्योरिटी ऐसी होगी कि ना वो बोलेगा ना वो बोलेगा और इंसाफ होगा उसका, एक फिर मैं दोबारा ट्रिपल टाइम जो है रिपीट कर रहा हूँ, उसके एक ही हल है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर आएंगे सर, तो किसी को कहने का मौका की बात नहीं मिलेगा। एक एक मामला ये भी आ रहा है कि जो नई क्यादत आएगी उसके लिए भी राहों में कांटे ना बिछाए जाए, क्योंकि मुल्क के वसीतर मफाद के लिए हम जानते हैं कि आलमी साजिशें बड़ी सारी हैं पाकिस्तान में, तो ये भी कोशिश की जा रही है कि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए, जो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है उसको थोड़ा सा काबू किया जाए। देखिए जो इमरान खान की तर्ज सियासत है ना, उसमें एक जारहाना तो कम लफ्ज है, वो कंफ्यूज फैलाते हैं, वो ग्रे एरिया पैदा करते हैं, वो अंडरस्टैंड समझने में जो मुखालिफ को समझ में आता नहीं है, ये चार तरह की चौमुखी खेलते हैं और वो चौमुखी करके फिर विड्रॉल हो जाते हैं। सही। और वो बेचारे जितने वो टेंशन में रहते हैं वो टेंशन से वो और फायदा उठाते हैं, उनकी हज़्ब इख्तलाफ की गलती से, और खुद एतराफ भी करते हैं कि हज़्ब इख्तलाफ जो गलती कर रहे हैं उससे मैं फायदा उठाता हूँ। सही। और जो जब तक कि वो आप क्रिकेट के जमाने में ये समझें कि अगर वो पहले तो ऐसी बॉल कराते हैं कि वो निकल के खेलना चाहें और फिर वो स्विंग हो जाए स्पिन हो जाए जैसे भी हो, तो उसका फायदा तो होता ना, वो समझ ही नहीं पा रहे ना। अगर उनका फुटवर्क अच्छा होता जब जम के होता तो अभी ये बुरान ख़त्म हो चुका होता, ये बहसें बड़ी डल और डिम हो चुकी होती है और हमें कुछ ना मंजरनामा नजर आता हुआ हो रहा कि हमारे सर, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपने बात सही की, लेकिन मुझे समझाएं कि खान साहब के इस स्टेटमेंट से, खान साहब का एक लॉन्ग मार्च जारी है, मुख्तलिफ शहरों में जलसे भी कर रहे हैं और खान अब सेकंड टियर लीडरशिप वो जलसे कर रही है, आपको नहीं लगता कि इसके बाद खान साहब के इस मौकफ की तब्दीली के बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें भी एक इफेक्ट आ सकता है, उनका वोटर भी इसको सोचेगा? नहीं, तो फर्क आएगा। देखिए एक बात ये देखें कि इमरान खान से कहा कि इस हालत में भी मैं रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च को लीड करूंगा, लीड करूंगा, ठीक है। अब उनको मालूम है कि ये चीज़ें जो थोड़ी सी डल हो रही है कहीं इनको भी नर्व को पढ़ना पड़ रहा है, ये इतना अलाव नहीं जला सकते जो सियासी अलाव जो है, तो अब चूंकि इनको बैक होना है तो ये जो भी कह रहे हैं कि मुझे एक महीने का आराम चाहिए, एक महीने तो सारी चीज़ें होनी है, एक महीने पे ये आराम चले गए, एक महीने पे वो भी उम्र वगैरह मजीद बढ़ा देंगे, इस तरह जो है वो जो क्या उसकी सूरत हाल थोड़ी कम होती है तो कोई एक सवाल, एक छोटा सवाल, दोनों तारीख तक गालिबन ये अनाउंसमेंट होना है कि नए आर्मी चीफ कौन होंगे, जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाएगा उसके बाद पाकिस्तान की सियासत का रुख क्या होगा, क्योंकि अगर खान साहब की अगर इस वक्त मौजूदा स्टांस को देखें तो वो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से एक राय रखते हैं, अमेरिकन साइफर को उन्होंने ऑलरेडी इस वक्त जो बयान आ रहा है उसको पीछे कर दिया, तो
फिर खान साहब की जो तहरीक इंसाफ की मजमू सियासत क्या होगी, क्योंकि करप्शन इस वक्त मामला नहीं है, दीगर इशूज इस वक्त जेर बहस नहीं है। जो सारा का सारा जो छह महीने खान साहब की कैंपेन थी वो तो इन्हीं दो इशूज के ऊपर थी कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ने उनके साथ धोखा दिया, उनके उनके साथ उस तरीके से मुआवरत नहीं की, अमरीकी साजिश थी और वो अब उसको भी पीछे छोड़ देंगे तो फिर तहरीक इंसाफ के हाथ में रहेगा क्या? वो आने वाले जिलसों में क्या कहेगी अपने वोटर्स? दो वजह से विड्रॉल होती है, बैक फुट पे आता है, समझे ना, कि मारने वाला बहुत तेजी से हमला करे, समझे ना, फास्ट बिल्कुल उसके जिस्म पे लगने वाली चीज हो, बॉल हो, ये करता है, या फिर उसका फुटवर्क खत्म खराब हो जाता है कि वो जो है उसको खेल ही नहीं पाता, इसी की जबान में बात। अब ये इन्होंने देखा कि कहीं अब जो जो चीज़ें इनको नरमी की तरफ जा रही हैं, एक तो ये है कि एक जो जो वाकया हुआ है उससे तो लोगों में खून खराबे की बेचैनी मौजूद, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है ना, वो उनकी तरफ से भी आ रहे हैं, छोटे छोटे जो है ना स्पेल में जो है जुलूस निकल रहे हैं और जितना मजमा जमा नहीं हो रहा जितना शुरू में हो रहा था, फर्क आ रहा है, सर्दी बढ़ रही है, खासा भी तो महंगाई है। खान साहब भी तो क्यादत नहीं कर रहे ना इस लॉन्ग मार्च की, ये भी तो एक इम्पैक्ट है ना। अबे भाई आप इतने सीधे सच्चे मुसलमान हैं, बिल्कुल सीधी सीधी साफ बात सोचते हैं, अगर आप क्यादत से हट जाएं तो उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, वो क्यादत सर ये तो है तहरीक इंसाफ में भाई, क्यों नहीं कर रहे क्यादत? वो कह दे रहे हैं कि रावलपिंडी को मैं जो है ना वो लीड करूंगा, अब क्या हो गई लीड कहां चली गई? उसकी उन्होंने कहा था वो उसी सेहत के साथ उसी मसाइल के साथ जिस्मानी, उन्होंने कहा था क्या वजह है कि वो ये अब नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक महीने के बाद ये तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि वजह क्या भाई? उसकी वजह ये है कि वाकई ये सूरत हाल है, इतनी गंभीर सूरत हाल है, सूरत हाल गंभीर भी ये कह रहा है, क्लैरिटी मत बता रहा हूँ, वो जो देखे वो हमारी जो एम्पायर है जिसे एम्पायर कहते हैं वो न्यूट्रल हो गया, सब कुछ हो गया जो कुछ हो, लेकिन उसका फिक्र तो है ना कि ये लड़ेंगे तो हम मरेंगे, सही ना? तो हाँ अभी जो है बॉक्सिंग में आपने देखेंगे कि एक वक्फा आता है दोनों को कॉर्नर कर दिया जाता है, तो आप मैं ये समझो कि खान साहब हो रहे हैं कहीं ना कहीं से कुछ श्योरिटीज दी गई हैं, कुछ ना कुछ यकीन दिया है कि लड़ना मत, इनसे भी कह दिया ज्यादा स्मार्ट मत बनो, सीधी सीधी बात करो और जो है जो भी नंबर आपको मिले सीनियरिटी के उसके मुताबिक अमल करो। इनके हाथ में क्या है? ये तो एक साल, अभी ये भी खबर आ रही थी कि एक साल एक्सटेंशन देने के लिए तैयार है, वो कह रहे नहीं पूरे 68 दो जब तक के मेरा इख्तदार नहीं आ जाए। अब कहां गई वो वाली बातें? इसका मतलब है कि इनको फैसला हो चुका है, फैसला हो चुका है, अब इनको साइन करनी है, सदर मुमलिकत भी वहीं बैठे हुए मीटिंग में, उनको भी एक साइन करनी है और हमारे सामने साइन का करदा फैसला आ जाएगा। ना हम नवाज शरीफ को कुछ कह सकेंगे, ना शहबाज शरीफ को कह सकेंगे, हम कह तो नहीं इमरान खान है, हम कह तो नहीं कह सकेंगे, नहीं हम ऑन द फेस ऑफ इट तो फैसले के वही है। आदमी के चलन फहम तो है ना, अगर आप फहम हाथ तो वही है ना, अरे आप जो कहलवाना चाहते हैं ना हाथ वही है, अरे वो हाथ हमारा ही है ना, हमारे कौम का हिस्सा है ना, हमारे जिस्म का हिस्सा है, हम उसको क्या कहते हैं, उसका रोल रहा उसकी वजह से तो इतने सारे हाथ का नाम लेके सर, नहीं, 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 सर ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू भी करूंगा क्योंकि खान साहब के जो जमान पार्क वाला जो घर है उसके अतराफ सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया, जो घर के जो शीशे हैं उसको बुलेट प्रूफ ग्लासेस से तब्दील कर दिया गया, तो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो यकीन तौर पर तश्वीशनाक है और आने वाले दिनों में ये जो सिक्योरिटी का जो फैक्टर है ये भी बड़ा अहम होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि माजी में अगर देखा जाए तो बेनजीर भुट्टो साहिबा की जब शहादत हुई तो उनकी जो शहादत से पहले के जो वाकयात थे वो कुछ इसी तर्ज पर नजर आए कि पहले उन्होंने जलसे किए जुलूस किए, कारसाज पे एक अटेम्प्ट हुआ वो मिस हुआ, और उसके बाद रावलपिंडी में जब वो जलसा करके निकल रही थी तो उनको एक और उनके ऊपर अटैक हुआ जिसमें वो शहीद हो गई, तो इसके हवाले से तहरीक इंसाफ ने भी कुछ कार्रवाइयां की हैं, कुछ मामलात को बेहतर करने की कोशिश की है, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बता सकते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं
द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा ये सिक्योरिटी का मसला, ये बड़ा अहम होते जा रहा है खान साहब। हम देखते रहे कि साला साल से किसी भी इशू की बात की जाए, कभी भी जब कोई थ्रेट अलर्ट होता तो खान साहब उसकी बगैर कोई फिक्र, बगैर कोई परवाह किए पब्लिक में आते थे, जलसे करते थे, बड़े बड़े जलसे करते थे, कभी बुलेट प्रूफ ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन अब थ्रेट अलर्ट की नौयत काफी ज्यादा सीरियस बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि खान साहब के ऊपर मुमकिन तौर पर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश की जा सकती है, जिसके पेश नजर खान साहब की जो रिहाइश गाह है रसमान पार, उसके अतराफ जो जितने भी शीशे थे उनके घर के, जितने भी शीशे थे उनके, उनको बुलेट प्रूफ ग्लास से तब्दील कर दिया गया, और साथ में जो वहां की सिक्योरिटी थी उसमें भी बहुत बड़ा इजाफा किया गया। जहांगीर साहब, ये जो सिक्योरिटी, गैर मामूली इजाफा, गैर मामूली इकदाम, कहीं ना कहीं इस तरह की इतलात है कि खान साहब को एक बार फिर से अटैक किया जा सकता है, क्योंकि पिछले जो अटैकर से जो पिछली बार भी कार्रवाई हुई थी उसके हवाले भी अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई पुलिस की जानिब से। देखिए एक बात ये बड़ी दिलचस्प, आपने आधा तो जवाब, आधे से ज्यादा जवाब तो खुद ही दे दिया है कि कारसाज पे जो हुआ था बेनजीर के साथ, उसके कुछ दिनों बाद जो है वो वहाँ रावलपिंडी में हुआ और उसके नतीजे में उनको शहादत हो गई, वो जो वफात पा गई। और उसके अब जब ये सूरत हाल है तो एक एक्सपीरियंस है ना, एक एक्सपीरियंस होता है, इंसान सबक सीखता है, वो ये जानता है। अब इमरान खान साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जब उनका हादसा हुआ, जब उन पर गोली चली, तो उसके बाद जो रिएक्शनली जो रद्द अमल के तौर पर बहुत लोगों को निकलना चाहिए था, सब चीज़ें हिल जानी चाहिए थी, उतनी नहीं हिली, और उसका उनको अफसोस भी हुआ। उन्होंने दोबारा ये कहा कि जनाब लोगों को जमा करें, रिएक्शन करें, ये तो जॉइंट हम तो पीछे हट जाएंगे, सो हमारी ताकत का तो इजहार ही जो है वो ताकत के सबूत देने में तो हम तो नहीं कर पाए। उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ, लेकिन अब ये है कि लोग जो डर गए थे और काफ़ी तब्दीली आ रही है, तो उस डरने के नतीजे में इन्होंने एहतियाती तदबीर ये की है कि वो एक्सपीरियंस ना दोहराया जाए जो बेनज़ीर के साथ हुआ, कि एक दफ़ा उनके साथ हादसा हुआ और दूसरी दफ़ा भी जो है वो ख़तरा मोल लें। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हमारे इमरान खान जो है ये तजर्बे को दोहराएंगे और अपने आप को और अपने लोगों को ख़तरे में डालेंगे, और उसका नतीजा कुछ ना कुछ हो सकता है जिसका नताइज तो कौम को भी भुगतने पड़े जैसा हुआ पहले। तो जंग से मुझे ये बताएं, बेनजीर साहब की जब शहादत हुई थी तो हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी को आने वाले इंतखाबात में एक बड़ी मेजॉरिटी मिली और बहुत बड़ी कामयाबी मिली उन इलाकों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी जहां इससे पहले कभी कामयाब ना हुई थी। खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ, अभी तक इसकी रिपोर्ट शाया नहीं की गई, गालिबन ये रिपोर्ट जब शाया की जाएगी इसकी टाइमिंग बड़ी अहम होगी कि किस वक्त ये रिपोर्ट शाया की जाती है, और जो जिस अंदाज से जो हमलावर की जो वीडियोस आई उसके हवाले से भी एक बड़ा सवाल क्रिएट किया जा रहा है। अब अगर कल को ये इंतखाबी मराइल की तरफ हम बढ़ेंगे और जब ये इंतखाबात का अनाउंसमेंट हो जाएगा, ये रिपोर्ट्स मंजरे आम पे आएंगी, तो तहरीक इंसाफ को या मजमू सियासत को ये कितना इम्पैक्ट करेगी? देखिए एक बात ये है कि जो इनका शो जो है ना, वन मैन शो है ये इमरान माइनस कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बेनज़ीर के पास एक मजबूत जमात थी, उसका स्ट्रक्चर था, अंदर स्ट्रक्चर था, और उसकी बुनियाद पे वो ट्रांसफ़र भी हुआ, जरदारी भी थे, उसके शोहर थे, और वो उसके पास इख्तियार भी था, या इख्तियार उनको मिल गया था या उन्होंने ले लिया था, ये एक अलग कहानी है। उसके आप शरारत करते हैं फिर भी? नहीं, शरारत नहीं करते, ये तीनों बातें रिकॉर्ड पे होती हैं और तीनों का हवाला जितने भी है एक साथ देना चाहिए, कहीं तिश्ने की रह जाती है तो उससे एंगलिंग होती है, इससे तो एंगलिंग नहीं है। बिल्कुल सही कि तीनों चीज़ें थी और तीनों चीज़ें हमने रख दी हैं, और आप देखें वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, लोग इधर के क्या कह रहे थे, इधर के क्या कह रहे थे, इसमें हमारा क्या कसूर है? जो कुछ तश्तज़बाम नजर आ रहा है वही तो हम कह रहे हैं, वो जो विल के हवाले से जो विल था और कागज थी, वो तो आप अगर समझ जाते हैं ना तो आपको बेचैनी हो जाती, तो किसी से कहलवा दो। अबे जब किसी से कहला दो तो आपका क्या काम, आपका काम पूरा हो गया? और हमारा आपने पूछा तो मैंने कहा सिर्फ क्लैरिटी ले लूं, मजाक ले लूं, आप पर मुझ पे नाराज हो जाते हैं। देखिए ना, क्लैरिटी का मतलब आप पाकिस्तान में क्या जानते हैं, क्लियर जैसे कहते ना कि पुरानी शराब नए जो है वो बोतलों में आएगी, पैमानों में आएगी, वही चलेगी। हमारी बदकिस्मत ये है
कि हमें कोई भी ऐसा लीडर नहीं मिला। इमरान खान समेत हम बात कर रहे हैं कि वो जो है वो कॉमरेड माओ ज़ेडुंग की तरह एक वो निकालता। फ्रांस में एक तब्दीली आती, इनकलाब फ्रांस के नतीजे में बहुत कुछ होता। ये तो कुछ भी नहीं है, तो ज़मानी जमा खट की जंग रही दोनों तरफ। ये तो क्या हुआ, एक जो है वो ऐसा हुआ और उसके बाद सबको फिक्र पड़ गई। ये आधे लोगों के ये भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, आधे इनके बड़े बड़े जो सीनियर हैं इसके बाद जो नेक्स्ट टू कहलाते हैं, नेक्स्ट टू किन कहलाते हैं सियासी तौर पे, वो जो है कहीं और मिल रहे हैं, इन पर भी ये इल्ज़ाम है। वो बेचारा क्या करेगा अकेला, हर जगह जो है लगे हुए लाइन लगी हुई है, जहाँ से शरबत मिलेगा वहीं जो बेचारे जो है ना लाइन लगा। लेकिन जाके साहब मुझे एक बात की क्लैरिटी देते ना, इस वक्त ऐसे माहौल में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आम इंतखाबात के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है, कब होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि नवंबर में ये जो क्लैरिटी है ये दूर हो जाएगी। एक जानिब हम देख रहे हैं खान साहब ने दो बड़े अहम मुतालबात थे, अब वो उससे पीछे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका की साजिश का चैप्टर भी पीछे हुआ और हो चुकी है। सुने मेरी बात, एक बात वो कैसे, ये सिर्फ टेक्निक है कि अगर इसका अनाउंसमेंट अब कर दिया जाए तो इमरान खान के अलावा कुछ और भी क़ुव्वतें ऐसी हैं जिसका रद्दअमल आ सकता है। बेचैन फदा, ये 15 साल ये जो दिन बाकी बचे हैं इससे भी कम, ये बिल्कुल हॉट हो सकते हैं, चीज़ें बेचैनी हो सकती हैं। अब एक दिन जो है, एक ही दिन में जो है वो नोटिफाई हो जाता है, एक आ गया आया उनके पास से एक तजवीज़ आई, 3-5 नाम आए, उसको जो है उन्होंने दो रख दिए, सब तैयार है और नोटिफाई कर दिया, उसी दिन फैसला हो गया, दूसरे दिन सलाम हो गया, स्पॉट दे दी जो उनके पास होती है बेफोन, उन्होंने उसके हवाले कर दी, ले भाई क्लियर हो गया और इख्तदार आ गया, जो जो आएगा तो वो उसने का तो होमवर्क सर, होना है। सर कैसे मुझे बताएं इंतखाबात कब हो रहा है, गालिबन इंतखाबात कब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए क्या नवंबर में जो तब्दीली है उसके 4 माह बाद इंतखाबात, इमरान खान साहब समझ नहीं रहे कि जो है ना इनके खिलाफ कुदरत के भी कोई खतरनाक फैसले, जिस कौम की 3.5 करोड़ लोग पानी में हों, सैलाब में हों, ठीक है ना, वो वोट डालने जाएंगे उनको तो रोटी वो की ये बड़ी अहम सूरत हाल है और सैलाबी सूरत हाल है। ये कि सारी तवज्जा जो है ना, कहते हैं कि जो भूखा होता है ना उसको क्या कह रहा है, चांद देख रहा है तो वो कहता है ये रोटी है, उसको और कुछ नज़र नहीं आता। भाई साहब इस वक्त कौम को ये वोटिंग कितने कम रेशो से पड़े हैं इलेक्शन में, ठीक हो गया जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंच रहा है, यकीन तौर पे जो मौजूदा सूरत हाल है वो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रही है, सऊदी वली अहद का पाकिस्तान आना और फिर ना आना और फिर दीगर मामलात में पाकिस्तान का माशी एतबार से काफी सारे इश्यूज के ऊपर पीछे हो जाना इस वक्त बड़े सारे सवाल क्रिएट कर रहा है। खान साहब इस वक्त जिस अंदाज से अपने बयानी में तब्दीली ला रहे हैं उससे ना सिर्फ इस बात का तासर जा रहा है कि कुछ मामलात में तब्दीली के साथ साथ कुछ मामला तय भी हुए हैं, दूसरी जानिब हुकूमत के लिए भी ये खतरे की घंटी है कि खान साहब के अगर मामला तय हो रहे हैं, खान साहब अपने स्टांस में अपने मौकफ में तब्दीली ला रहे हैं, तो फिर क्या कोई ऐसे मामला तो नहीं जिससे हुकूमत को खौफजदा होने की जरूरत है। ये सारे सवाल आज हमने प्रोग्राम में उठाए और कोशिश की कि उनके जवाब जान सकें। चंद ही रोज में पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली जो वाकई होने वाली है वो हो जाएगी, उसके बाद अगला सवाल ये होगा कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात कब होते हैं, और यकीन तौर पर जैसे ही तब्दीली होती है, जैसी नई क्यादत सामने आएगी, उसके चंद ही रोज में ये जो सवाल है ये भी बहुत ज्यादा वाजे हो जाएगा कि ये जो इंतखाबी अमल है पाकिस्तान में कब होगा, जल्द होगा, कब होगा, यकीन तौर पर यह बड़ा अहम होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। जानी साहब आवाज तशरीफ लाए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, आपका ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।